ज्वाइंट कमिश्नर के नेतृत्व में अवैध रूप से बनी हुई बिल्डिंग को तोड़ने के लिए पहुंचा नगर निगम का दस्ता आज बैरंग ही वापस लौट आया। भारी पुलिस बल के साथ तोड़फोड़ दस्ता कार्रवाई करने तो पहुंचा था, लेकिन बीच में ही किसी का फोन आने के बाद तुरंत ही कार्रवाई रोक दी गई और महज खाना पूर्ति करते हुए अवैध निर्माणकर्ता से एक सादे पेपर पर एफिडेविट के नाम पर एक कागज लिया और वापस हो लिए। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये नगर निगम का तोड़फोड़ दस्ता है जो आज भारी लाभ लश्कर के साथ फरीदाबाद के दो नंबर इलाके में पहुंचा था। नगर निगम का तोड़फोड़ दस्ता पहुंचा तो एक अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए, लेकिन राजनीतिक और आधिकारिक दबाव के चलते उन्हें वापस बैरंग ही लौटना पड़ा। आपको बता दें कि दो दिन पहले भी नगर निगम का यही दस्ता बिना पुलिस फोर्स के बिल्डिंग को धराशायी करने के लिए पहुंचा था, लेकिन लोगों के भारी आक्रोश के सामने उनको अपनी तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोककर वापस लौटना पड़ा था। लेकिन आज जब नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साए में निगम का तोड़फोड़ दस्ता उसी अवैध बिल्डिंग को तोड़ने के लिए पहुंचा, तो तोड़फोड़ की कार्रवाई के बीच में ही एक फोन आया जिसकी वजह से तोड़फोड़ की इस कार्रवाई को रोकना पड़ा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि फोन आया किसका था और किसके दबाव में तोड़फोड़ की कार्रवाई को बीच में ही रोकना पड़ा। यशपाल सिंह, फरीदाबाद, सीएमएन। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन अगेंस्ट कार्रवाई थी जी, और इस कार्रवाई के अगेंस्ट जो यहाँ के मकान मालिक थे उन्होंने एप्लीकेशन दी है कि जो सीएलयू की परमिशन ग्रांट की जाए और जो इसमें एक पॉलिसी बताई गई है 26/6/2018 की, जिसमें कोर एरिया में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है उसको एज पर लो रेगुलराइज करने की कुछ योजना या पॉलिसी है, उसके तहत इस एप्लीकेशन को एग्जामिन करके फर्दर नेसेसरी एक्शन ले लिया जाएगा। तोड़ने आए क्या इससे पहले आपने नोटिस दी थी इनको? आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन का जो नोटिस है वो दे दिया जाता है, पूरी पॉलिसी जो है वो फॉलो की जाती है, विदाउट कोई भी पॉलिसी के तहत ऐसे एक्शन लिया जाता है कि वो इलीगल। सर बिल्डिंग, थैंक यू।